आरजेडी ने चला बड़ा दाव, मुंबई से बिहार तक मची हलचल। निरहुआ रवि किशन भी ना समझ पाए, अमित शाह की उड़ी नींद। लालू यादव के हितैषी बने जंगल राज दिखाने वाले मनोज वाजपेयी। जब पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चीतों के फोटो खींच रहे थे, पूरा देश पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न में डूबा हुआ था। उसी दौरान बिहार में जो सियासी खिचड़ी पक रही थी उसकी खबर किसी को भी नहीं थी। राबड़ी निवास में एक टेबल पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और मनोज वाजपेयी के बैठे होने की तस्वीरों ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। काफी दिनों से सियासी पिच से दूर रहे लालू प्रसाद यादव ने इस बार ऐसा बल्ला घुमाया कि अमित शाह भी चकरा गए। मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन को नींद नहीं आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम वो सब कुछ दिखा देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सन 1999 में मनोज वाजपेयी और रवीना टंडन अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूल। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह को उसकी ईमानदारी के कारण मोतिहारी ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां लोकल अपराधी और करप्ट नेता बच्चू यादव से उसका सामना होता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लिए वह नेता खतरा बन जाता है और वह सत्ताधारी पार्टी का विधायक है। बच्चू यादव की वजह से समर प्रताप सिंह की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती है। आखिर में उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर अपराधी के तौर तरीके को अपनाकर यह दिखाया गया है कि कैसे वो भ्रष्ट सिस्टम का भेंट चढ़ जाता है। एक दिन वो आता है और विधानसभा में घुसकर बच्चू यादव की हत्या कर देता है। ये पूरी बातें सूल फिल्म में दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी बेतिया के नरकटियागंज के रहने वाले हैं, लिहाजा वो बिहार के जमीनी हकीकत से वाकिफ थे और तब बिहार में लालू यादव का राज था जिसे जंगल राज के तमगे से नवाजा गया। राजनीतिक अपराध पर इस फिल्म की स्टोरी आधारित थी। बताया जाता है कि जब यह फिल्म आई थी उस वक्त लालू के सबसे बड़े दुश्मन मनोज वाजपेयी बन गए थे, लेकिन अचानक 23 साल बाद मनोज वाजपेयी लालू यादव का हाल चाल पूछने उनके घर पहुंच गए। वो भी तब जब पूर्णतः स्वस्थ लालू यादव सियासी फार्मूले तैयार करने में लगे हैं। हाल चाल के दौरान मनोज वाजपेयी ने लालू यादव से यह भी कहा कि आप हमहू के हीरो हैं, मतलब आप हमारे हीरो हैं। इस बारे में राजद ने कहा कि मनोज वाजपेयी लालू यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन असली कहानी क्या है ये जानकर आप भी कहेंगे कि यूं ही लालू ने गोपालगंज से दिल्ली तक धमाकेदार पहचान नहीं बनाई। दरअसल बीजेपी जिस प्रकार से मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ समेत तमाम फिल्मी कलाकारों को पार्टी में लाकर क्षेत्रीय स्तर पर अपना जनाधार बढ़ा रही है, ठीक उसी प्रकार अब लालू यादव और तेजस्वी यादव भी मनोज वाजपेयी समेत ऐसे अन्य कलाकारों को आरजेडी में शामिल कराकर आरजेडी की ब्रांडिंग कराना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि मनोज वाजपेयी जल्द ही सियासी पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और उसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ग्राउंड बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनोज वाजपेयी को राजद में शामिल कराकर उन्हें आरजेडी के राष्ट्रीय कोर में शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में उन्हें राजद कोटे से राज्यसभा भेजने की भी प्लानिंग है। मनोज वाजपेयी अगर संसद बनते हैं तो राजद का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। मनोज वाजपेयी बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और बॉलीवुड का एक चर्चित चेहरों में शुमार हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार में अमित शाह के मंसूबों पर एक ब्राह्मण ही पानी फेर सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए मनोज वाजपेयी को राजद में शामिल कराने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में अमित शाह को नए तरीके से बिसात बिछानी पड़ेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, आरजेडी मनोज वाजपेयी को राज्यसभा भेजकर नए समीकरण बना पाएगी और मनोज वाजपेयी के राजद खेमे में शामिल होने से बीजेपी प्रभावित होगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।